शारदीय नवरात्रि पर्व के चलते पूरे जिले भर के देवी मंदिरों में विभिन्न तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। खरगोन जिले के मारुगढ़ स्थित प्राचीन भवानी माता मंदिर में भी भक्तों का तांता लगने लगा है। शारदीय नवरात्रि पर्व आदि शक्ति की उपासना के लिए जाना जाता है। इन दिनों माता की आराधना कर सुख समृद्धि के आशीर्वाद के साथ शक्ति की उपासना भी की जाती है। जिले भर के सभी देवी मंदिरों में इन दिनों भक्तों का तांता लगने लगा है। चिरनिया तहसील के मारुगढ़ के रूपारेल नदी के किनारे स्थित अति प्राचीन भवानी माता मंदिर में भी भक्तों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि इस मंदिर को महाभारत काल में पांडवों द्वारा निर्मित किया था। बाद में मारु नामक राजा ने इस मंदिर को भव्य प्रतिष्ठा प्रदान की थी, इसलिए इस गांव को मारुगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ वर्ष की दोनों नवरात्रियों में माता का मेला भी सजाया जाता है। आदि शक्ति के अन्य देवी मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी माता के तीन रूपों के दर्शन होते हैं। खरगोन जिले के प्रतिष्ठित देवी मंदिरों में शामिल इस मंदिर में नवरात्रि पर्व पर सुबह शाम विशेष आरतियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूर दूर से आए श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। इस मंदिर में लाई गई माता की ज्योत लगभग 25 वर्षों से अनवरत जल रही है। माना जाता है कि माता के इस ज्योत के दर्शन से दर्शनार्थियों के समस्त पापों का नाश होता है। इस मंदिर के सामने एक प्राचीन कुंड भी है, जो सभी रोगों के नाश करने वाला माना जाता है। मान्यता है कि इस कुंड में नहाने से सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। खरगोन ब्यूरो से दिनेश दसुंधी की रिपोर्ट। यह मंदिर पावेल नदी के बीच में है। यहाँ पर यह वो प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर आने वाले सभी भक्तजनों भक्त आते हैं, बहुत बहुत दूर से आते हैं। यह मंदिर पांडव के रो के हाथ से बना हुआ है। यहाँ पर लोग अपनी जो मनोकामना मांगते हैं वो मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ पर इस मंदिर की पूजा पाठ यह हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं और अब हम कर रहे हैं। और यहाँ पर रहने आने वाले सभी भक्तजनों को नाम के राजा रहते थे, उन्होंने यह मंदिर की स्थापना की थी, इसलिए इस गांव का नाम मारुगढ़ पड़ा है। और मैं यहाँ पर रहती हूँ, यहाँ के पंडित जी की मतलब पंडित हूँ। मेरा नाम मंजू दस। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।